हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज हट। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे सिविक्स की बुक से, जिस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आज हम मीडिया की इम्पोर्टेंस देखेंगे और मीडिया किस किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी इस वीडियो पे आ रहे हैं, जो भी इस चैनल पे आ रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जो भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें वो सभी लोग उन वीडियोस को देख के अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब अचीव कर सकते हैं। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स भी अपलोड कर दिए गए, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। देरी ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल पे विजिट कीजिए, आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो आज इस चैप्टर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर ये चैप्टर स्टार्ट होगा, उस क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में भी किए जाएंगे और आप अपने हिसाब से भी उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? आप रेडियो में कौन सा ऐसा चैनल है जो आपको पसंद है, जिसको आप सुनते हो? कौन सा न्यूज़पेपर मैगजीन है जिसको आप यूजुअली पढ़ते हो? क्या आपके पास इंटरनेट है और क्या क्या चीज आप उसमें यूजफुल समझते हो? और क्या आपको पता है इन सभी चीजों के लिए एक कलेक्टिव वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सेवरल अदर फॉर्म्स के जितने भी कम्युनिकेशन मीडियम हैं, उन सभी के लिए हम मीडिया वर्ड को यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम इसी मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि मीडिया किस तरह से काम करती है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं डेली लाइफ पर। क्या आप कोई एक ऐसी चीज सोच सकते हैं जो आपने इस मीडिया से इस वीक में सीखी हो? जो भी आपके आसपास, चाहे स्टॉल है या फिर लोकल फेयर, जितने भी प्रोग्राम्स आपके आसपास चल रहे हैं, टीवी है जो आप अपने घर में देख रहे हैं, ये सभी मीडिया में आता है। मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है मीडियम की। मीडियम मतलब माध्यम, वो माध्यम जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और डिस्क्राइब करते हैं हम इसको वेरियस वेज में, जिससे हम ये देखते हैं कि हम अपने सोसाइटी में किस तरह से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, कैसे सोसाइटी की, वर्ल्ड की, इंटरनेशनल लेवल की और नेशनल लेवल की न्यूज़ हम अपने घर पे ही बैठ के सुन सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ हम सीखनी हो तो हम वो मीडिया के थ्रू सीख सकते हैं। मीडिया को हम रेफर करते हैं सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से जो हमारे आसपास चल रहा है, जैसे कि फ़ोन कॉल, इवनिंग में जो हम न्यूज़ देखते हैं, वो सभी हमारे मीडिया में आते हैं। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सारी फॉर्म्स हैं, इन इन चीज़ों से हम कम्युनिकेशन अचीव करते हैं और ये मीडिया में आती है। मीडिया का एक्सेस मिलियंस ऑफ लोगों तक है, सभी लोगों के पास इसका एक्सेस है। मासेस में लोग इससे कनेक्ट हो रखे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मीडिया से कनेक्ट हो रखे हैं पूरी कंट्री में, वर्ल्ड में। इसी को हम इसे क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो पूरे मास लेवल पे फैला हुआ है, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में फैला हुआ है, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे फैला हुआ है, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि आप इस फिगर में देखिए और इस फिगर में सिक्स काइंड ऑफ मीडियाज को आपको बताना है। मीडिया एंड द टेक्नोलॉजी। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। बिना मीडिया के हम लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो केबल टेलीविजन है वो वाइड स्प्रेड हो रखा है, इंटरनेट के द्वारा ये सारी चीजें चलाई जाती हैं। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स। तो 20 साल से ये सारी चीजें हमारे आसपास और ज्यादा से स्प्रेड हो गई है, इंटरनेट और ज्यादा तेजी से यूज किया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी है मास मीडिया की, और वो भी चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे इंटरनेट का लेवल चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन की, कम्युनिकेशन की, मीडिया का यूजेस भी चेंज हो रहा है। जो न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो है वो मिलियंस ऑफ पीपल्स तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। कुछ टेक्नोलॉजी सभी लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से मीडिया के पास सबका एक्सेस है और सभी लोग इसको यूज कर पा रहे हैं। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन एज अ प्रिंट मीडिया एंड टीवी, रेडियो एज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जितने भी आपको ये पेपर फॉर्म में मीडिया सोर्स मिलेंगे, उनको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। और टीवी, रेडियो जैसे जो सारे इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो इंटरनेट से चलेंगे कम्युनिकेशन के लिए, मीडिया के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलेंगे। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। प्रिंट मीडिया हम न्यूज़पेपर्स को क्यों कहते हैं?
एज यू रीड फर्दर, जैसे हमने पहले पढ़ा, यू विल फाउंड दैट दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे दो टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है जिसकी वजह से इनका अलग अलग नाम रखा गया है. तो यहाँ पे हमें जो ये फोटोग्राफ दिए, इससे हमें बताया कि मास मीडिया किस तरह से टेक्नोलॉजीज की बढ़ रही है, कैसे वो चेंज हो रही है, कंटिन्यू ये चेंज होता जा रहा है. हर साल हमें कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट मिलता है, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज करने को मिलती है. तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट मीडिया का यूज हो रहा है और कैसे आज ये हमारे हाथों में इलेक्ट्रॉनिक टाइप में हम यूज कर रहे हैं. हमें अब कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ज्यादातर प्रिंट मीडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता. आपकी फैमिली में जो ओल्ड मेंबर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं. जब उनके पास टीवी नहीं था तो वो रेडियो से इन्फॉर्मेशन लेते थे, रेडियो को यूज करते थे. तो उनसे पूछ सकते हैं कि पहला टीवी कौन सा है आपके एरिया में, और वो केबल टीवी किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, कितने आपके आसपास के नेबरहुड हैं जो कि इंटरनेट को यूज करते हैं. ऐसे तीन चीजों को आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है, बताना है, जो आपने वर्ल्ड के किसी और पार्ट से टीवी में देखी हो. तो ऐसे तीन चीजों का आपको नाम बताना है. चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मशीन्स चेंज हो रही है, उसी तरह से उतना ज्यादा ज्यादा ये वर्ल्ड मॉडर्न होता जा रहा है और उतनी ही ज्यादा लोगों तक ये मीडिया की पहुंच होती जा रही है. जैसे पहले कीपैड के फोन चलते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो कीपैड के फोन कुछ ही लोगों के पास हुए, और फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी और चेंज हुई तो टच स्क्रीन वाले फोन आने लगे और कीपैड वाले फोन बंद हो गए. और आज आप देख सकते हैं कि टच स्क्रीन वाले जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जितने भी फोन हैं वो सभी लोगों के पास आज देखने को मिलते हैं. बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस. टेक्नोलॉजी इससे और भी ज्यादा चेंज ला सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं. ये हमारे जो लाइफ के जो हमारे लेसन्स होते हैं, जो जीने का तरीका होता है, उसको भी चेंज करती है, उसको अफेक्ट करती है. जैसे कि टुडे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविजन. आज के जमाने में अगर हम सोचें हमारी लाइफ टेलीविजन के बिना, तो हम उसे बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते. टेलीविजन हमें इनेबल करते हैं कि हम अपने बारे में, हम अपने आप को एक ग्लोबल वर्ल्ड का मेंबर समझें. तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या समझते हैं कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के मेंबर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अपनी इन्फॉर्मेशन सब हम शेयर करते हैं टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू. टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस. जितने भी ये इमेजेस होती हैं इंटरनेट के थ्रू, केबल्स के थ्रू, बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती हैं, जो किससे, सैटेलाइट्स और केबल्स के थ्रू ये चलाए जाते हैं. तो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कहीं और भेजनी है, या फिर या आपके पास कोई इमेज है उसे आपको दूसरी कंट्री में भेजना है, तो आप केबल्स और सैटेलाइट्स के थ्रू जो ये टेलीविजन चल रहे हैं, जो ये टेक्नोलॉजी रन कर रही है, आप इजिली उसे पहुँचा सकते हैं. अलाउ करती है ये कि आप न्यूज और इंटरटेनमेंट के चैनल्स किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बैठ के देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द जो कार्टून्स होते हैं जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, वो मोस्टली कहाँ पर बनते हैं, जापान से और यूनाइटेड स्टेट्स से. वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू, वी कैन सी इमेजेस दैट वॉज हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा. हम अपने घर में बैठ के, चाहे चेन्नई में बैठे हो, चाहे हम जम्मू कश्मीर में बैठे हो, वहां पर बैठ के हम जो यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में जो स्टॉर्म आया है उसे हम बैठ के देख सकते हैं. तो हम ये देखते हैं कि हम अपने घर में बैठ के अपने वर्ल्ड से, आसपास से कितने ज्यादा कनेक्ट है, क्लोज है. इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है ये 1940 का. मीडिया एंड मनी के बारे में जानते हैं कि किस तरह से पैसा मीडिया को इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे पैसे की वजह से मीडिया न्यूज़ को भी चेंज करती है और उसे किस तरह से मैनिपुलेट करती है. कभी कभी मीडिया ऐसा भी करती है कि पैसे से इन्फ्लुएंस होके मीडिया कभी कभी गलत न्यूज़ भी प्रोवाइड करा देती है, जिससे बहुत ज़्यादा वायलेंस कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है. द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव. जितनी ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है, ये सभी एक्सपेंसिव है. जैसे कि हम सोचते हैं टीवी स्टूडियो में सिर्फ न्यूज रीडर ही बैठे होते हैं तो सिर्फ उन्हीं का काम है, तो ऐसा नहीं है. उस न्यूज रीडर के जो न्यूज रीड कर रहा है, जो आपके सामने न्यूज पढ़ के आपको बता रहा है, उसके पीछे और भी पूरी टीम होती है जो काम करती है. जैसे कि लाइट्स, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें काम करती हैं, सारी मशीनें काम करती हैं. उसके बाद आपको टीवी पर वो न्यूज दिखाई देती है, और इनको चलाने वाले, इनको कंट्रोल करने वाले लोग भी वहां पर काम करते हैं. तो इन सब चीजों के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा कहाँ से आएगा. जब भी हम टीवी देखते हैं तो बीच बीच में जो एड ब्रेक्स आते हैं उनसे मीडिया को पैसा मिलता है. इन न्यूज स्टूडियो इट इज नॉट ओनली द न्यूज रीडर. सिर्फ न्यूज रीडर नहीं है जिसको पे करना पड़ रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जो उस ब्रॉडकास्ट में एक साथ काम करते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कैमरामैन को, लाइट्स को, इन सभी चीजों को, और जो टेक्नोलॉजी उस मास मीडिया को
चला रही है और ये मास मीडिया की जो टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है इसको अपडेट करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर खरीदनी है या यूज करनी है तो उसके लिए भी पैसा ही लगता है। तो इतनी सारी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए मीडिया को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है ताकि वो सभी लोग एफिशिएंटली वहाँ पे काम कर सके। इसमें क्या रिजल्ट होता है कि जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं उनको पैसा कमाने के लिए जो बिग बिजनेसेस हाउस हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, ये उनका एड वहाँ पे चलाने लगते हैं, एड वहाँ पे प्रिंट करने लगते हैं जिससे वो पैसे मिलते हैं उनको। ये जॉन एल बेड है जो कि ऑपरेटर्स के सामने बैठे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं द रॉयल इंस्टीट्यूट हिज इन्वेंशन द टेलीविजन, अर्ली टेलीविजन, ये जो सबसे पहले टेलीविजन बना था। तो ये जॉन एल बेड है जो यहाँ पे बैठे हैं अपनी इस टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आप उन तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपने कभी कार्टून देखा या कोई भी आप अपना टीवी चैनल देख रहे हो, फेवरेट चैनल देख रहे हो और उस चैनल पे देख रहे हैं उसके बीच में कोई भी ऐड आया, तो ऐसे किसी भी तीन प्रोडक्ट के ऐड के आपको यहाँ पे नाम बताने, जैसे सोप का ऐड हो सकता है, ऑयल का ऐड हो सकता है, किसी भी चीज का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक न्यूज़पेपर लेना है और काउंट करना है उसमें एडवर्टाइजमेंट कितने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट उसमें आने लगे, कि ऐसा है और ऐसा क्यों है। तो उसका रीज़न हमने जाना कि ऐसा इसलिए होता है कि एडवर्टाइजमेंट से मीडिया को पैसे मिलते हैं जिससे वो अपने इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाता है, इन सारी टेक्नोलॉजी को मैनेज कर पाता है और ये सारी चीज़ें, ये सारी न्यूज़, ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम रन करता है जिसके बेसिस पे आपको डेली से डेली न्यूज़ अपडेट होती रहती है वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे। मास मीडिया कॉन्स्टेंटली सोच रहा है कि किस तरह से पैसे बनाए जाए, वो हमेशा ऐसे सोचता है कि किस तरह से पैसे कहाँ से आए, जिससे मास मीडिया बहुत सारे पैसे कमाने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट शो चलाता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वो शो करता है, दिखाता है हर चैनल पर किसी भी एंटरटेनमेंट शो के बीच में, चाहे वो कार का हो, चॉकलेट्स का, क्लोथ्स का, मोबाइल फोन का, एक्सेट्रा। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी व्हाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जो भी शो देख रहे हैं उसके बीच में कितने सारे एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे आए हैं, कितने ब्रेक वहाँ पे आए हैं। जैसे कि आप कभी क्रिकेट मैच देख रहे हो टीवी पे या कोई भी कार्टून सीरियल देख रहे हैं या सास बहू के सीरियल देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। इवन कभी कभी ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो रिपीटेडली आते हैं, एक ही प्रोडक्ट का आपको बार बार ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है जिससे कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो और आप उस प्रोडक्ट को खरीद लो, जिससे कि उस प्रोडक्ट ऑनर का भी फायदा होता है यहाँ पे और उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाने की वजह से मीडिया को भी इससे अर्निंग होती है। आगे देखते हैं, ये पूरी वो होल टीम है जो वर्क कर रही है एक न्यूज चैनल को चलाने में, तो हर किसी का यहाँ पे काम अलग अलग होता है। मीडिया और डेमोक्रेसी देखते हैं, डेमोक्रेसी को अगर मीडिया के हिसाब से समझे तो मीडिया को पूरी फ्रीडम होने चाहिए कि वो जो न्यूज है उसको उसी तरह से दिखा सके, बिना किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस हुए वो जो चीज है जैसे घटना है उसी तरह से वो दर्शाए, जिसकी वजह से जो व्यूअर्स हैं उनको एक सही बात का पता चल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जो मीडिया है ये ज्यादातर इन्फ्लुएंस होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी बिजनेसमैन से, जिसकी वजह से ये न्यूज को मैनिपुलेट कर देती है। इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज और डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। कंट्री और वर्ल्ड में जो भी इवेंट्स चल रहे होते हैं उन सभी में जो मीडिया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सभी इवेंट्स को डिस्कस करती है, सारी न्यूज वो प्रोवाइड कराती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजंस कैन, जैसे कि लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है सिटीजंस को जानना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की जो चीजें होती है वो मीडिया सिटीजंस तक पहुंचाती है एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज स्टोरीज, और उसके बेसिस पे जो उन्होंने स्टोरी देखी है, जो उन्होंने न्यूज देखी है, वो सभी सिटीजन उसके हिसाब से एक्शन करेंगे। जैसे कि कोई भी पॉलिटिशियन के यहाँ पे न्यूज चल रही है, कोई भी पॉलिटिशियन के बारे में न्यूज चैनल पे कोई खबर आ रही है, तो जो सिटीजन्स होंगे वो राय बनाते हैं उस पार्टी के अगेंस्ट, उस पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट कि उसे किस तरह से उसको वोट देना है या नहीं देना। तो कभी कभी यही सारी चीजें मीडिया की वजह से, मीडिया के न्यूज की वजह से भी इन्फ्लुएंस होती है। Some of the ways in which they can do this by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest. कभी कभी वो citizens को कोई action लेना होता है किसी party के against या politicians के against, तो वो letters लिखते हैं, public protest करते हैं, campaign करते हैं और government से सवाल पूछना शुरू करते हैं,
दोबारा सोचते हैं और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने हित के लिए गवर्नमेंट से काम करा सके। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन इज बैलेंस्ड। ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स को एक बैलेंस न्यूज प्रोवाइड करे। जैसे कि किसी के अगेंस्ट कुछ भी न्यूज चल रही है तो दोनों ही पक्ष उसको दिखाने चाहिए कि किसकी क्या गलती है और किसकी क्या गलती नहीं है। ये सारी चीजें अगर मीडिया दिखाएगी तो एक बैलेंस अप्रोच बन पाएगी सिटीजन्स के माइंड में, क्या गलत है क्या सही है। अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस मीडिया रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, कि दोनों वर्जन को वो सेम न्यूज में कवर कराए और अच्छे से वो दिखाए, उस न्यूज का फ्रंट पेज भी और बैक पेज भी दोनों ही वो दिखाए। तो यहाँ पे न्यूज के बारे में दिखाया है जो न्यूज़पेपर में यहाँ पे प्रिंट हुई है और किस तरह से मीडिया ने उसे सिटीजन्स के सामने रखा है। तो आपको ये रीड करना है, उसके हिसाब से जो दो क्वेश्चंस पूछे इसको आंसर करेंगे आप कमेंट में। कि जो अब आपको दो स्टोरीज बताई है न्यूज़पेपर में, क्या वो सिमिलर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्या रीजन है कि वो सिमिलर नहीं है, आपके व्यूज क्या है इसमें, सिमिलरिटीज क्या और डिफरेंसेस क्या है। अगर आप स्टोरी को रीड करते हैं न्यूज ऑफ इंडिया से इस इशू के बारे में तो आप क्या सोचेंगे, आपके व्यूज क्या होंगे, वो सब पूछा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज पेपर और You would only know one side of the story. अगर आप जैसे ही न्यूज पेपर रीड करते हैं तो आपको सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता चलेगी। अगर आप यही न्यूज न्यूज ऑफ इंडिया से अगले किसी और न्यूज पेपर से पढ़ेंगे तो यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर एज अ नॉइसेंस। तो आप दूसरी साइड को भी जान पाएंगे कि प्रोटेस्टर्स की साइड क्या है। दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक एंड कॉन्टिन्यूअली पॉलिटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज लीव यू विद अ बैड इंप्रेशन अबाउट देम। तो ऊपर यहाँ पे पॉल्यूशन की बात चल रही है और किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक को डिस्टर्ब हो रहा है इस प्रोटेस्ट की वजह से, तो वो बताया जा रहा है कि क्या उसका बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू हैड रीड द स्टोरी इन इंडियन डेली यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइवलीहुड्स। तो इस न्यूज़पेपर में जो हमें ये न्यूज मिली है उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि अगर आप इंडियन डेली से पढ़ेंगे तो किस तरह की न्यूज आपको पढ़ने को मिलेगी, और न्यूज ऑफ इंडिया से पढ़ेंगे दो न्यूज़पेपर की कटआउट्स है जिसमें सेम न्यूज के बारे में बताया है इंडियन डेली में, कि किस तरह से जो फैक्ट्रीज के वर्कर्स हैं उनको रीलोकेट करने की बात हो रही है और उसके बाद उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज अ बैलेंस रिपोर्ट, कोई सी भी इसमें से जो स्टोरी बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। अगर आपको एक ही न्यूज पेपर में ये दोनों साइड मिल जाती तो हम उसको क्या कहते हैं, बैलेंस रिपोर्ट है। एक न्यूज पेपर में आपको फैक्ट्रीज के बारे में बताया है, दूसरे में आपको वहां के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में बताया। अगर ये दोनों न्यूज एक ही न्यूज पेपर में कवर होती तो उसको हम कहते हैं बैलेंस अप्रोच है ये न्यूज को प्रेजेंट करने की, ताकि सिटीजन्स के माइंड में एक बैलेंस व्यू हो सके कि इससे क्या बैड इम्पैक्ट हो रहा है, इस पॉल्यूशन से किन किन लोगों को हो रहा है, उसको क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया, मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है सारी चीजें। जैसे कि हमारी मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल फ्री है, वो कोई भी न्यूज किसी भी तरह से प्रिंट कर सकती है। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है दैट नो शुड कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है मीडिया के ऊपर, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जैसी न्यूज उसको कवर करनी हो वैसे ही करेगी। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूड, कोई ये नहीं बता सकता मीडिया को, कोई नहीं, किसी को राइट नहीं है कि मीडिया को ये बताए कि इस न्यूज में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या नहीं। मीडिया का इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसी के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया प्रोवाइड कराती है, उसी के बेसिस पे जो मीडिया ने इन्फॉर्मेशन दी सिटीजन को, उसी के बेसिस पे सिटीजन्स ने एक्शन लिए, अपने माइंडसेट बिल्डअप किए और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल और बायस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है या फिर बायस्ड है। बायस मतलब किसी के पक्ष में बोलना। तो मीडिया को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, हमेशा उसको बैलेंस अप्रोच फॉलो करने चाहिए। डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी, क्या ये जरूरी है कि हम दोनों साइड की स्टोरी जाने, और ऐसा क्यों प्रिटेंड करना दैट यू आर अ जर्नलिस्ट फॉर अ न्यूज़पेपर। आपको ये सोचना है कि जैसे कि आप किसी न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट हैं और आपको एक बैलेंस स्टोरी लिखनी है, दोनों टाइप की रिपोर्ट्स आपको बतानी है। द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, लेकिन रियलिटी क्या है कि मीडिया बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा क्या करती है, इन्फ्लुएंस होके किसी से या बायस नेचर में वो
न्यूज को प्रोवाइड कराती है। दिस इज मेनली क्योंकि बिकॉज ऑफ टू रीजन, यहाँ पे दो रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से मीडिया ऐसा करती है। पहला ये है कि उसको कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर ऑन न्यूज आइटम और सीन्स फ्रॉम अ मूवी और द लिरिक्स और सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद लार्ज पब्लिक, दिस इज रेफर्ड टू एज सेंसर। तो सेंसरशिप के जितने भी राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो जो भी न्यूज आइटम होगा, सीन होगा, मूवीज होंगी, लिरिक्स होंगी, वो पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट से उसे चेक कराना होगा कि वो सही है या नहीं, उसके बाद वो पब्लिश होगी। There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was emergency 1977 तक। ये वो पीरियड था जब इस तरह की सेंसरशिप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मीडिया को। नेक्स्ट आपको बताया एक स्टोरी में कि टीवी हमारे साथ क्या कर सकता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया। बहुत सारे घरों में टीवी है, वर्ल्ड का क्या इम्प्रेशन है, ये टीवी ही हमारे माइंड में सेट करता है वर्ल्ड के इम्प्रेशन के बारे में। जैसे कि टीवी एक विंडो है पूरे वर्ल्ड की, ये इन्फ्लुएंस करती है लोगों की सोच को। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम इसमें दिखाए जाते हैं, जैसे कि सोप ओपेराज, सास भी कभी बहू थी, गेम शोज, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी जैसे कि बिग बॉस, न्यूज, स्पोर्ट्स, कार्टून। बिफोर इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, जिससे कि हम अलग अलग प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको भी खरीदते हैं मार्केट से, तो उनका भी बिजनेस ग्रो होता है। टीवी टाइम जो है कॉस्ट करता है बहुत सारे पैसे, क्योंकि ओनली दोज प्रोग्राम दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। तो जिस प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले होंगे, उस टीवी प्रोग्राम से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम माइट बी, क्या ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में आप सोच सकते हैं। थिंक ऑफ वॉट आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड वट इट डज नॉट, ये सोचिए कि किस तरह की चीज़ें टीवी दिखाता है और किस तरह की चीज़ें टीवी नहीं दिखाता। डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द रिच और पुअर पीपल, क्या टीवी हमें ज़्यादातर गरीब और अमीरी के बारे में बताता है। हमें ये सोचना चाहिए कि वट टीवी डज टू अस, कि टीवी हमारे लिए क्या कर रहा है, हम उसको कैसे शेप करें, कैसे हम वर्ल्ड के बारे में व्यूज बनाएं, अपने बिलीव्स, एटीट्यूड्स और वैल्यूज को रखें। हमें ये ज़रूरत है कि हम ये रियलाइज करें एक पार्शियल व्यू, कि टीवी हमें एक पार्शियल व्यू देता है वर्ल्ड का। वाइल्ड वी इंजॉइंग अपने फेवरेट प्रोग्राम जैसे हम देखते हैं, तो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग वर्ल्ड बियॉन्ड आर टीवी स्क्रीन। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस टीवी के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो टीवी इग्नोर कर रहा है। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, रिच लाइफ स्टाइल्स हैं, इन सब के बाहर भी एक दुनिया है जो हमें ये टीवी दिखाता है। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स, हमें एक्टिव व्यूअर्स बनना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जब भी हम कुछ चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, कैसे और कब हुआ, ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए, एक्टिव व्यूअर्स हमें बनना चाहिए। आगे देखते हैं, व्हाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज। जैसे गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा, उसके पास फिल्म के सेंसरशिप के सारे राइट हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मीडिया के कवरेज के भी सेंसर राइट्स रखें। डिस्पाइज द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सेंसरशिप का कोई प्रेशर नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स जो है आज के टाइम वो बैलेंस स्टोरी देंगे। द रीज़न ऑफ दिस, इसका रीज़न बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितने भी लोग हैं, पर्संस हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया। बहुत सारे लोग ने ये रिसर्च किया है कि बिजनेस हाउस जो है, जो बिजनेस कंपनीज हैं, बिजनेस मैन हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मीडिया को अपने हिसाब से। वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे ताकि वो ऐड ज़्यादा ज़्यादा दिखाई जाए, मैनिपुलेट करते हैं लोगों के माइंड को जिससे कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा मार्केट में सेल हो सके। एंड इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो कभी कभी ये इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूज़ को ताकि जो मीडिया वो सिर्फ एक साइड की स्टोरी को ज़्यादा फोकस कर सके। मीडिया कंटिन्यूअल नीड, मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की और कंटिन्यू पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये इन एडवर्टाइजमेंट्स को उनसे दिखाना पड़ता है, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है मीडिया के लिए कोई बैलेंस रिपोर्ट वो प्रोवाइड करा सके। मीडिया डज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। तो इसी की वजह से, इसी डिपेंडेंसी की वजह से जो मीडिया है उसके क्लोज लिंक्स बन जाते हैं बिजनेसमैन के साथ, जिसकी वजह से वो और भी बायसनेस शो करने लगते हैं। बिसाइड द अबव, अगर हम
ऊपर की सारी बात छोड़ दें तो मीडिया ऑल्सो टेंस टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी। मीडिया हमेशा क्या करती है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करेगी किसी भी स्टोरी के, बिकॉज दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, ताकि वो स्टोरी और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, पब्लिक इंक्रीज हो उनके चैनल पे। तो यही सारी चीजें भी मीडिया करता है। अब देखते हैं सेटिंग एजेंडाज क्या होते हैं। तो सेटिंग एजेंडाज का मतलब है कि किसी भी रोल के ऊपर फोकस करना और डिसाइड करना कैसे उसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी स्टोरी जो दिखाई जा रही है किस तरह से उस पर फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है, और डिसाइड करता है कि वो न्यूज़ वर्दी है या नहीं, तभी वो दिखाएगा अगर उसको उस न्यूज़ से फ़ायदा हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनुअल फंक्शन हो रहा है किसी भी स्कूल का और उसमें कोई चीफ गेस्ट एक फेमस एक्टर बन के आता है, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स क्या करेंगे, ज़्यादातर उस फेमस एक्टर के बारे में न्यूज़ दिखाएंगे। देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। हीरो कोई चीफ गेस्ट बन के आ रहा है तो न्यूज़ मीडिया सारे आके उसको कवर करने लगेंगे, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर इशू होता है तो मीडिया इन्फ्लुएंस हो जाती है थॉट से, फीलिंग से, एक्शन से, और जो भी उसके आसपास हो रहा होता है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स। तो जिस तरह से आज मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ये हमारे थॉट्स को भी शेप कर रही है। इट इज कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो हम क्या कहेंगे कि मीडिया क्या करता है, एजेंडा सेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे दो कोई पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दिए मीडिया को, तो मीडिया क्या करेगी उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अच्छा अच्छा दिखाएगी, जिससे कि सिटीजन्स के माइंड में एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी और वो वोट उसी पार्टी को करके आएंगे, जिससे कि वो पार्टी जीत जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, मीडिया ने इन्फ्लुएंस करा लोगों के माइंड को, उसने एक एजेंडा सेट कर दिया कि इस चीज़ के बारे में ये सोच होनी चाहिए लोगों की। वही चीज़ उन्होंने टीवी पे दिखाई, वो सिटीजन्स तक पहुंची और वही सोच यहाँ पे ट्रैवल हुई उनके माइंड तक, जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग इसी वजह से डेवलप हो गई, इसी तरह से डेवलप हुई। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक। अभी हमने रिसेंटली में देखा कि किस तरह से मीडिया ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और इंडिकेट किया कि कितने हाई लेवल के पेस्टिसाइड्स वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, और अवेयर कराया कि हमें इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करके रखना चाहिए, इंटरनेशनल क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेसिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग द दैट कोलाज वर अनसेफ। और ये मीडिया ने क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो अनसेफ है, तो उस पार्टी से, उस गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होके मीडिया ने भी इसी तरह की रिपोर्ट डाल दी। इन कवरिंग दिस स्टोरी, इस स्टोरी को कवर करने के लिए जो मीडिया है उसने पॉजिटिवली हेल्प की ये फोकस करने में इस इशू पर कि इस कोल्ड ड्रिंक से हमारी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हो रही, एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड इट बीन फॉर अ मीडिया रिपोर्टिंग। तो यही सारा काम कौन करती है, मीडिया करती है। ये अवेयर भी कराती है और ये मैनिपुलेट भी करती है। ये फैशन शो की एक फोटोग्राफ है। नेक्स्ट देखते हैं, देर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर। बहुत सारे ऐसे सेवरल इंस्टेंसेस है जहाँ पे मीडिया फेल हुई है हमारी लाइफ के इश्यूज को फोकस करने में, दिखाने में। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है, पीने का पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आर कंट्री, हमारी कंट्री में हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं वो सफ़र करते हैं इस पानी की कमी से और मर जाते हैं, क्योंकि उनको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता। हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रॉट ऑफ हाउ द फैशन वीक इन विच क्लोथ्स डिजाइनर शो देयर न्यू क्रिएशंस टू रिच पीपल। तो हम क्या देखेंगे, इस इशू को फोकस करने की जगह मीडिया ने क्या पब्लिश किया कि किस तरह से डिजाइनर कपड़े बना रहे हैं, कैसे रिच क्रिएशंस आ रही है, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। फ्रॉम द फ्रंट ऑफ पेज हेडलाइंस, आपको जो फ्रंट पेज पे आपको इसी तरह की न्यूज आपको दिखाई देगी जो कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करिए, इंस्टीड ऑफ जो सच्चाई है कंट्री की, जो सच्ची प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम, उनको ये नहीं दिखा दिए। व्हाइल सेवरल स्लम्स वर बीइंग डिमोलिश्ड इन मुंबई द वेरी सेम वीक एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस्ड। इस वीक में कोई फैशन शो हुआ तो मीडिया ने उसे बढ़ा चढ़ाकर फ्रंट पेज पर दिखाया। दूसरी साइड हर हफ्ते कहीं ना कहीं मुंबई में ये स्लम्स जो हैं, जहाँ पे ये गरीब लोग रहते हैं, इनको हटाया जा रहा है, डीमोलिश किया जा रहा है, जिसको वो फोकस नहीं कर रही है, कोई दिखा नहीं रही उनके बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस बताने आपको मीडिया के, जिसमें वो एजेंडा सेट करता है, रिपोर्ट करिए उसने फैशन वीक्स की, इवन जो स्लम डिमोलिशंस हो रहे थे उसके बारे में उसने यहाँ पे
कुछ भी प्रिंट नहीं किया, कुछ भी लोगों को नहीं बताया है और एक एजेंडा सेट किया सिर्फ फैशन वीक्स के लिए। कैन यू थिंक ऑफ एन इशू, ऐसे ही किसी एक इशू के बारे में आप सोच सकते हैं दैट डज नॉट सीम इम्पॉर्टेंट टू यू बिकॉज इट इज नेवर फीचर्ड इन द मीडिया, जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसको कभी न्यूज मीडिया ने कवर नहीं किया, नहीं दिखाया। सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी के जैसे हम सिटीजन हैं, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशूज। तो ये मीडिया ही है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से हम आसपास जो हमारी चीज़ें चल रही होती हैं उनको सुन पाते और देख पाते हैं, दोनों ही साइड हम जान पाते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं, अपने माइंड सेटअप को डेवलप कर पाते हैं और उसी तरीके से उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्शंस लेते हैं। लोकल मीडिया की यहाँ पे बात हो रही है जिसमें रिकॉग्नाइज द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्ट इन कवरिंग स्मॉल, हम मीडिया को इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो स्मॉल इश्यूज को कवर करे या फिर बड़े इश्यूज को। सेवरल लोकल ग्रुप्स हैव कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओन मीडिया, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स आगे आए हैं जिन्होंने अपने मीडिया चैनल शुरू करे अपने खुद के। कुछ ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने रेडियो चलाए हैं फार्मर्स के लिए, जिससे कि मार्केट का प्राइस, क्रॉप के बारे में ये सारी चीज़ें एडवाइस मिलती रहे उन फार्मर्स को, सीड्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, जिससे कि एक वेलफेयर हो रहा है यहाँ पे। अदर्स मेक डॉक्यूमेंट्री, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ फिल्म के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं उनको वीडियो कैमराज और रियल लाइफ कंडीशंस फेस बाय डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज, इस तरह की चीज़ें वो दिखाते हैं कि किस तरह से जो पुअर लोग हैं वो डेली लाइफ की अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे डील करें। एंड एट टाइम्स हैव इवन गिवन द पुअर दीज वीडियोज कैमराज टू मेक फिल्म ऑन लाइव्स, कभी कभी वो अपने लाइव के बारे में यहाँ पे दिखाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर के जिसको हम बोलते हैं खबर लहरिया, विच इज फॉर्टनाइटली, दैट इज रन बाय 8 दलित वुमेन के थ्रू ये चलाया गया था खबर लहरिया जो यहाँ पे न्यूज़पेपर है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की, लोकल लैंग्वेज में ये लिखा गया, बुंदेली में, 8 पेज थे इसमें और जो दलित लोगों के जो इश्यूज हैं, केसेस हैं, वायलेंस जो हो रहा है उनके अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें दिखाई गई, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है, पॉलिटिकल करप्शन जो है, ये सारी चीज़ें उसमें प्रिंट होती हैं। न्यूज़पेपर पहुंचता है फार्मर्स तक, शॉपकीपर्स तक, पंचायत मेंबर्स तक, स्कूल टीचर्स, वुमेन्स, सभी के पास ये न्यूज़पेपर पहुंचता है, सभी इसको पढ़ते हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट में काम कर रहा हो चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हो। ये मीडिया डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए लोगों को, कहाँ पर नहीं, तो एक सेट कर देती है लोगों के माइंड को, एक एजेंडा वहाँ पे सेट कर देती है कि आपको इसी तरह से सोचना है और इसी तरह से आपको बायसनेस रखनी है और इन्फ्लुएंस होना है। गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग द स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप, कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो रोक देती है मीडिया को स्टोरीज को पब्लिश करने से जिसमें उसका फायदा होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। आज के टाइम में अगर बात करें तो मीडिया क्लोज रिलेशनशिप, मीडिया के बहुत अच्छे व्यवहार हैं बिजनेस पर्सन के साथ, जिससे कि मीडिया को बैलेंस रिपोर्ट को प्रिंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स ऑफन नॉट कम्प्लीट एंड कैन बी वन साइडेड, हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए जो न्यूज़ हमें बताई जा रही है उसकी दूसरी साइड, दोनों साइड हमें जानी होनी चाहिए, हमें कम्प्लीट अवेयरनेस रखनी चाहिए कि फैक्ट्स क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ऐसे रियल में हुआ होगा। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज, हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि जो भी न्यूज़ हमें बताई जा रही है उससे हम क्वेश्चंस कर सकें कि ये इन्फॉर्मेशन किस बारे में है, मैं इस रिपोर्ट को क्यों देख रहा हूँ और ये क्या हमें प्रोवाइड करा रही है, क्या इसमें पॉइंट को फोकस किया गया है, किसने ये आर्टिकल लिखा है और यहाँ पे क्या छूट गया और वो क्यों छोड़ दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इस तरह से आप एक्टिव व्यूअर बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसकी वजह से मीडिया के ऊपर दबाव होगा कि वो आपको हमेशा बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करा सके। सोशल एडवर्टाइजिंग का ये आपको एक कटआउट है जिसमें सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय गवर्नमेंट, ये सोशल एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी, और कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी इन सोशल एडवर्टाइजमेंट को निकालती है जो कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ एक मैसेज प्रोवाइड करा रही होती है। द फॉलोइंग इज सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन अनमैन लेवल क्रॉसिंग, जैसे कि यहाँ पे एक क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे कटआउट लगाया है, एक बैनर लगाया है जिसमें बताया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सोसाइटी में वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन के लिए ये लगाया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे व्हीकल्स स्लो करना है, दोनों साइड देख के चलना है और जब ट्रेन आए तो अपनी गाड़ियों को रोक लेना है और अच्छे से सुनना है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट के खतरे कम हो सके।
से डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, किस तरीके से जो मीडिया है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है डेमोक्रेसी में। तो आपको डायग्राम और टाइटल देना है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको एक टाइटल देना है कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, और लिंक बताना है मीडिया और बिग बिजनेसेस के थ्रू। यू हैव रीड अबाउट द वेज इन विच मीडिया सेट्स द एजेंडा, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी जिससे हमने देखा कि मीडिया किस तरह से एजेंडा को सेट करता है। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन डेमोक्रेसी, और किस तरह के इफेक्ट पड़ता है इससे डेमोक्रेसी में, ऐसे दो एग्जाम्पल आपको देने हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। एज अ क्लास प्रोजेक्ट आपको एक प्रोजेक्ट करना है, डिसाइड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर न्यूज टॉपिक पे आपको फोकस करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से, उसको अच्छे से कवर करना है उस टॉपिक को न्यूज़ से, और दो न्यूज़पेपर्स को कंपेयर करना है उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, और फिर एक सिमिलर न्यूज़ बनानी है जिसमें आप डिफरेंसेस भी प्रेजेंट करेंगे उस न्यूज़ के बारे में और सिमिलैरिटीज भी। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस आर्टिकल प्रोवाइडिंग, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि इस आर्टिकल से जो आपने ये एक्टिविटी करी है उससे क्या न्यूज़ मिली, और क्या न्यूज़ उसमें से छूट गई जो आप नहीं गैदर कर पाए, जो आपको वो प्रोवाइड नहीं कराई गई न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। फ्रॉम हूज पॉइंट ऑफ व्यू इन आर्टिकल बीइंग रिटन, किसका पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल में लिखना चाहिए और किसका वहाँ पे छोड़ना चाहिए और क्यों, तो आपको वही यहाँ पे पॉइंट आउट करने जिससे पब्लिक वेलफेयर हो, जिसमें लोगों को गलत गाइडेंस ना करा जाए। प्रोजेक्ट करने आपको आप सोलो भी कर सकते हैं, पेयर भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आपको बनाने हैं, जिसमें आपको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी एडवर्टाइजमेंट की, जैसे पब्लिक हेल्थ, रोड सेफ्टी, सेव वाटर, एनर्जी, किसी के बारे में आप ये कर सकते हैं। ग्लॉसरी में आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी है जिसमें पब्लिश का मतलब है प्रिंट करना, जिससे कि सिटीजन्स उस पर्टिकुलर न्यूज तक पहुंच सके। सेंसरशिप का मतलब ये रेफर करता है पावर से, यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर से बिलोंग किया गया है कि ये डिसअलाउ करता है मीडिया को पब्लिश करने में कुछ स्टोरीज को। ब्रॉडकास्ट का मतलब है जो टीवी रेडियो प्रोग्राम वाइडली ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि लोग बाग एक साथ ओपन एरिया में आके प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ इश्यूज के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते हैं, अपोज करते हैं उनको, ऑर्गेनाइज करते हैं रैली, सिग्नेचर कैंपेन करते हैं, ब्लॉक करते हैं रोड्स को, तो इस तरह से वो पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं। तो चैप्टर यहीं खत्म हो गया, वीडियो यहीं पे एंड हो गई है, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।